शारदीय नवरात्रि 2025 कब से शुरू और कब समाप्त? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त अष्टमी नवमी तिथियां जाने दशहरा कब मनाया जाएगा? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त अष्टमी नवमी तिथियां और दशहरा कब मनाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। पंचांग के अनुसार हर साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। नवरात्रि माँ दुर्गा के उपासना उत्सव है। नवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग रूपों का पूजन होता है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथियों पर कन्या पूजन के बाद दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है, कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अष्टमी नवमी और दशहरा कब मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि शुभ मुहूर्त 2025। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 22 सितंबर प्रातःकाल 1:23 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 23 सितंबर प्रातःकाल 2:55 पर। घट स्थापना मुहूर्त होगा 22 सितंबर प्रातःकाल 6:09 से प्रातःकाल 8:06। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:49 से दोपहर 12:38। दुर्गा अष्टमी होगी 30 सितंबर मंगलवार। दुर्गा नवमी होगी 1 अक्टूबर बुधवार। नवरात्रि पारण और दशहरा होगा 2 अक्टूबर गुरुवार। कलश या घट स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में कलश या घट स्थापना करने की मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थल पर कलश या घट की स्थापना करें। कलश स्थापना से पहले एक पात्र में साफ मिट्टी भरकर उसमें सप्तधान्य बोलें। अब इस पर जल से भरा कलश रखें। कलश में रोली से स्वास्तिक बना लें। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध लें। अब कलश में अशोक के आंख के पत्ते, हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी और दूध डाल दें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। इस तरह घट स्थापना के बाद विधिवत माता शयन पुत्री की पूजा करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।